नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बज और आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के प्रीलिम्स और मेंस के ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का 2021 का फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो चुका है, जिसका एग्ज़ाम अप्रैल 2021 में होने वाला है। तो बहुत कम दिन बाकी है आपके पास, लगभग 1 महीने का समय बाकी है, और कट ऑफ जानने के बाद आप उस हिसाब से अपनी तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि कम से कम कट ऑफ तो क्लियर करना ही होगा अगर इसमें आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं। तो चलिए हम पहले फेज 1 मतलब है मल्टीपर्पज़ प्रीलिम्स के कट ऑफ को जानते हैं, असिस्टेंस प्रीलिम्स के कट ऑफ को देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एससी का जो सेक्शनल कट ऑफ तो आपको क्लियर करना ही है। सेक्शनल कट ऑफ आप देख लीजिए, ठीक है, 63.75 एससी कैटेगरी का कट ऑफ गया था, तो एससी के लिए इस बार भी अच्छा मौका है। एसटी का देखेंगे तो 69.75 गया था, उसके बाद एमबीसी का देखेंगे तो 78.75 गया, उसके बाद बीसी का अगर देखेंगे तो 84 गया, उसके बाद डब्ल्यूबीसी का देखेंगे तो 84 गया, और जनरल का देखेंगे तो 84 गया, ठीक है। अब देखेंगे एचआई का देखेंगे तो 50.50, ओएच का देखेंगे तो 83.25, और वीआई का आप देखेंगे तो 49.50, उसके बाद एफएफ का देखेंगे तो 78.75। ये सब जो कैटेगरी होगा, ये जो भी कैटेगरी आप देख रहे हैं नीचे वाले जनरल के बाद, सब ओएच कैटेगरी के आते हैं, मतलब जो दिव्यांग की कैटेगरी होते हैं इसमें आते हैं, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी के बारे में। तो यहाँ देखिए सेक्शनल कट ऑफ आपको कम से कम 10 नंबर लाना होगा इंग्लिश क्वालिफाई करने के लिए। रीजनिंग का कट ऑफ थोड़ा हाई चला जाता है, क्योंकि रीजनिंग आसान होता है बैंकिंग का, तो यहाँ पे 25 से 20 21 नंबर मान के चलिए। और मैथ्स में अगर आपको पास करना है तो इस बार 24 का लेके चलिए, कि मैथ्स में आपको 24 क्वेश्चन सही बना के आने हैं। तो कट ऑफ आपको हाई देखने को इस बार भी मिलने वाले हैं, 84 से नीचे तो आपको बहुत कम चांस है कि देखने को मिलेंगे, क्योंकि मैंने देखा है बैंक के एग्ज़ाम में कट ऑफ 92 भी गया है। तो आप पे थोड़ा अच्छे से मेहनत कीजिए, 84 से ज़्यादा लाने का सोचिए, तो कम से कम 90-95 आपका अटेम्प्ट होना चाहिए बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के लिए। तो प्रीलिम्स का कट ऑफ आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब मेंस के कट ऑफ के बारे में हम बात करते हैं। तो मेंस का कट ऑफ भी आप लोगों को पूरा दिख रहा होगा, मेंस का कट ऑफ है तो यहाँ देखिएगा कि एससी का गया 119, और यहाँ मेल और फीमेल का अलग कट ऑफ जाता है मेंस में। वही आप प्रीलिम्स में देखेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है, जो मेल का कट ऑफ जाएगा वही फीमेल का कट ऑफ जाएगा। बट अगर आप मेंस में चले जाते हैं तो आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का अलग, नहीं मेल और फीमेल दोनों का अलग अलग कट ऑफ जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो एससी में मेल का जो कट ऑफ गया था 119 गया था, और वेटिंग लिस्ट भी इन्होंने निकाला था, तो वेटिंग लिस्ट अगर कंप्लीट नहीं हुआ होगा तो फिर से वैकेंसी निकला अभी इस बार। तो वेटिंग लिस्ट में अगर आप देखेंगे एससी का मेल का, तो 119 गया था, 120 मान लीजिए, और वोमेन का गया था, फीमेल का गया था 110.25। एसटी का देखेंगे तो 129.25, और एसटी फीमेल का देखिएगा तो 111 नंबर। उसके बाद एमबीसी का देखिएगा, एमबीसी मतलब बैकवर्ड क्लास होता है, मोस्ट बैकवर्ड क्लास है, मेल का गया 139 नंबर और फीमेल का गया लगभग 127.25। बीसी बैकवर्ड क्लास हो गया, ये क्रीमी लेयर है, ये क्रीमी लेयर होगा, ये शायद नॉन क्रीमी लेयर होगा, तो यहाँ पे 144.75 गया मेल कैटेगरी, और फीमेल कैटेगरी का देखिएगा 140.75। और डब्ल्यूबीसी का देखिएगा, डब्ल्यूबीसी का देखिएगा यहाँ पे 143.75 गया, और जनरल में मेल फीमेल का देखिएगा, मेल का गया 149-150 मान सकते हैं, और फीमेल का गया 145-146 मान सकते हैं इसे। और वेटिंग लिस्ट का भी कटअप आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा बाकी सब कैटेगरी का। अगर हम बात करें नीचे कुछ दिया हुआ है, तो नीचे अगर हम देखें तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ है पॉइंट यूज टू ऑब्जेक्टिव टेस्ट। अब ऑब्जेक्टिव टेस्ट में कितना कट ऑफ गया, जैसे रीजनिंग में देखिए क्वेश्चन ईजी होगा इसलिए 28-29 नंबर कट ऑफ चला गया, मैथ्स में 14 नंबर ही कट ऑफ गया, क्वेश्चन मॉडरेट लेवल का होगा, जीए में 12 नंबर क्वेश्चन, यहाँ भी टफ होंगे, हो सकता है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होंगे 13 नंबर, इंग्लिश में 20 नंबर क्वेश्चन आसान होगा, हिंदी में कम गया, तो हिंदी मतलब क्वेश्चन हार्ड होगा इसलिए हिंदी में कम गया, इंग्लिश ज़्यादा आसान होगा इसलिए इंग्लिश में ज़्यादा कट ऑफ गया। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि चूज किसको करना है, तो कमांड किसी एक में बनाइए। कंप्यूटर में देखिए कितना कम गया, 9.75, तो सेक्शनल कट ऑफ उतना ज़्यादा नहीं है, तो ये एक अच्छा मौका है मेरे हिसाब से बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक में जाने का,
क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है कि अभी तक आपने जितना भी बैंकिंग का एग्ज़ाम दिया है तो ये एग्ज़ाम जो होता है बाकी सब एग्ज़ाम की तुलना में आसान होता है। ठीक है, लास्ट ईयर मैंने एग्ज़ाम दिया था बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, मेरा 78 नंबर आया था और कट ऑफ 84 नंबर गया था, तो मैं डिस्क्वालीफाई हो गया था। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन पूछना होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछिएगा, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफ़ी अच्छा रहे। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।